अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये टैक्सी का अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये टैक्सी इधर लिखा हुआ है रोड पे, यानी कि ये टैक्सी रैंक है, ठीक है। और लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है कि आज मैं यूके के वेस्ट मिडलैंड्स के एरिया में खड़ा हूँ, टैक्सी रैंक पे खड़ा हूँ। टैक्सी रैंक नॉर्मली वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत बिजी होता है और कस्टमर हमारा वेट कर रहे होते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मैं वैसे ही अभी गाड़ी पार्क की है टैक्सी इधर, तो कोई टैक्सी भी नहीं है और ना ही कोई पैसेंजर है, ठीक है। और टाउन भी आप देख सकते हैं तकरीबन सारे का सारा खाली है, ये कुछ बंदे इक्का दुक्का आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इस टाइम 20-25 मिनट गाड़ियों को वेट करना पड़ता था ये सिग्नल क्रॉस करने के लिए, कभी कभी घंटा घंटा लग जाता था यहाँ से, मतलब 200-300 मीटर का फासला तय करते हुए। लेकिन आप देखिए अल्लाह की कुदरत कि कैसे सब कुछ बदल गया है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई जब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ आती है तो ऐसे ही होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे दुनिया सारी बदल गई है। मैं अभी गाड़ी कोशिश करता हूँ ड्राइव करके आपको टाउन की थोड़ी सी दूसरी सूरत हाल भी दिखाता हूँ, अगर आपको कुछ नज़र आए तो। ये आप देख सकते हैं, असल में मैं यूके लॉज के मुताबिक कैमरा भी पकड़ नहीं सकता हाथ में क्योंकि फ़ाइन हो जाता है, तो मैं कोशिश किया कि स्टैंड के साथ लगा के आपको मतलब दिखाऊं, अगर नज़र कुछ आ जाए आपको। तो असल बात क्या है दोस्तों कि बस यही आप समझ लें कि ये जब मौत का वक्त आना है तो उस वक्त भी ऐसा ही होना कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहना, आप अकेले हो गए बस, ठीक है। तो इसलिए अभी भी वक्त है दोस्तों कि कोशिश करें, तौबा करें, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें। मतलब यूके यूरोप जैसे ममालिक जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी रहना होगा, वहाँ पे भी अभी आप ये देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। अभी मैं देख सकता हूँ 4:41 है आज ना शाम के, तो ये नॉर्मली बिजी टाइम होता है। तो लेकिन अगर इधर ऐसा कुछ हो सकता है तो बाकी मतलब जब दुनिया ख़त्म होगी तो आप खुद देखेंगे जब अल्लाह ताला की तरफ से आता है कोई निज़ाम, अल्लाह ताला जब बंदे को कुछ सबक सिखाने पे या अपना सजा देने पे आता है तो फिर बड़ी बड़ी ताकतें ऐसे ही छुट्टी करती हैं। अभी ये अमरीका क्या है, चीन क्या, बरतानिया क्या, सब भी एक किस्म के बेबस हुए बैठे हैं। तो इस वीडियो से आपको एक मैसेज पहुँचाना ये भी है कि बस जो असल ताकत है, जो असल सुपर पावर है वो अल्लाह ताला है। तो इस वक्त को, इस मौके को गनीमत समझते हुए अल्लाह ताला से आप माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से डरें, जितना हो सके नेकी करें और आखिरत की तैयारी करें। आप ये देख सकते हैं टाउन पूरा तकरीबन खाली है, ये जो गाड़ियाँ आपको कुछ नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही कम गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा कम, ये कुछ भी नहीं है, ये मुझे पता है ना, ठीक है। तो बाकी सारी बात है एहतियात आप करो, ये मर्ज़ आज नहीं तो कल अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो चला ही जाएगा, लेकिन ये सबक ज़रूर दे जाएगा कि भाई असल ताकत अल्लाह ताला ही है। हम सबको पता तो है लेकिन हम लोग जानते हुए भी उसको शायद मतलब यह है कि प्रैक्टिकली अमल नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमें एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और अल्लाह ही असल ताकत है तो हम शायद बहुत से ये जो हम फजूल काम करते हैं वो करने छोड़ दें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैसेज है पसंद आया होगा, और हो सके तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जल्दी किसी अच्छे मैसेज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर।